तो और भाई लोग कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपकी जिगल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे आपकी। तो डोंट वरी, मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा कि अपने जॉयस्टिक को कहाँ प्लेस करो या फिर जॉयस्टिक के साइज़ क्या रखो। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है। एंड ना ही कोई मैं ड्रिल्स बताऊँगा क्योंकि मुझे पता है ड्रिल्स कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। तो मैं आपको वो बताऊँगा जो आप एक्चुअली में कर सकते हो। तो बिना आपके टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर वन में मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। जो लेफ्ट हैंड बंदा है वो बूस्टेड नहीं है, जो राइट हैंड वाला बंदा है वो फुल बूस्टेड है। तो आप देख सकते हो तो राइट वाले बंदे की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो यही चीज़ होता है क्लोजन फाइट के अंदर, अगर आप फुल बूस्ट होकर एक क्लोजन फाइट लेते हो एंड जिगल करते हो तो आपकी जिगल नॉर्मल जिगल से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो टिप नंबर वन, स्टे बूस्टेड इन क्लोजन फाइट। ओके सो टिप नंबर टू में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं जब भी वो एंगेज होते हैं किसी क्लोजन फाइट के अंदर, जब वो जिगल कर रहे हैं तो वो क्राउच या नॉन क्राउच भी करते हैं साथ साथ में। तो इसका मैं आपको करेक्ट वे बताता हूँ। तो करेक्ट वे है कि अगर आप राइट की ओर जा रहे हो तो आपको क्राउच होने के बाद लेफ्ट की ओर जाना चाहिए, एंड अगर आप लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो क्राउच होने के बाद आपको राइट की ओर जाना चाहिए। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका आपका एनिमी आप पे फायर कर रहा हो, अगर आप एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो एंड सडनली आप क्राउच करने के बाद डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपका एनिमी जो लेफ्ट की ओर स्वाइप कर रहा होता है लेफ्ट की ओर ही स्वाइप करता रहता है क्योंकि आपने सडनली डायरेक्शन चेंज किया, तो वो इसी को समझ नहीं पाता है। तो आप अपने एनिमी के एम से बाहर निकल जाते हो, तो आप पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है। इसलिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए क्राउच करने के बाद जब भी आप जिगल कर रहे हो तो। ओके, अब बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी वो जिगल करते हैं तो वो एम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका एनिमी जब बहुत ज़्यादा फास्ट जिगल करता है तब वो क्या करें। तो दोनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सेंसिटिविटी अपनी लो रखनी है ताकि आप इजीली अपने एनिमी को ट्रैक कर पाओ। एंड सेंसिटिविटी अगर लो रहेगी तो आपको, आप जब जिगल करते हो बहुत ज़्यादा फास्ट, तब आपको एम करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो सेंसिटिविटी है, आप वो आप चाहो तो ट्राई कर लेना एक बार, नहीं चाहो तो अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ी सी इधर उधर मेंटेन कर लो, अगर ज़्यादा है तो कम कर लो। यहाँ पे देख सकते हो मेरी एडीएस जो सेंसिटिविटी है वो 100 थी, तो उसको मैंने कम करके 90 कर दिया। तो अगर आपकी भी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हो। ओके सो टिप नंबर फोर हमारी बड़ी बेसिक सी है कि अगर आप लो रिकॉयल वाली गन यूज़ करते हो क्लोजन फाइट में, जैसे M416 या फिर स्कारल, तो आपको हमेशा उसमें लेजर साइट लगा रहना चाहिए क्योंकि लेजर साइट के कारण आपका बुलेट स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ओके सो हमारी जो टिप नंबर फाइव है वो ये है कि आपको जिगल सिर्फ तब करना है जब आपका एनिमी 20 to 30 meters के रेंज के अंदर हो। अगर उससे ज़्यादा है तो आप हमेशा स्कोपिंग करके मारो या फिर स्टेबल होकर के मारो, बट जिगल नहीं करो। जिगल करने के बाद आपको पता है कि बुलेट स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप 50 meters तक में, जैसे कि अगर इतने दूर में भी बंदा रहेगा आप यहाँ पर जिगल करते हो, फिर बुलेट स्प्रेड इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसे हिट ही नहीं कर पाओगे एंड वो ईजिली आपको स्कोपिंग करके मार देगा। तो हमारी टिप नंबर फाइव यही थी कि आपको जिगल तब करना है जब बंदा काफ़ी क्लोज हो आपके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू आज इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय पबजी।